ट्विटर पर एक बार फिर से जमकर दर्शकों का मनोरंजन होने वाला है। आखिर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की ट्विटर पर वापसी जो हो गई है। पूरे 1.5 साल बाद कंगना ने ट्विटर पर वापसी की और ऐसे में वो शांत कहाँ बैठने वाली थी। हमेशा की तरह एक बार फिर से कंगना ने बॉलीवुड की बैंड बजाना शुरू कर दिया है। अब कंगना ट्विटर पर कुछ कहे और बॉलीवुड की वाट ना लगाए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब कंगना ने ट्विटर पर आते ही कुछ ऐसा कह दिया जिसे जानकर यकीनन शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियों को मिर्ची लग सकती है। ये सभी को पता है कि शाहरुख की पठान रिलीज हो चुकी है, फिल्म का जमकर विरोध भी हो रहा है और पठान विवाद पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कंगना पठान मामले पर क्यों नहीं बोल रही है। खैर, अब कंगना ने बैक टू बैक कई ट्वीट्स कर शाहरुख की वाट लगा दी है। कंगना ने अपने बयान में यूं तो किसी फिल्म और एक्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान पठान से ही जोड़कर देखा जा सकता है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है, जहां एक आर्ट प्रोजेक्ट की सक्सेस का अंदाजा पैसों से लगाया जाता है। लोग पैसे ऐसे फेंकते हैं जैसे क्रिएटिविटी और आर्ट का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इससे लोगों की छोटी सोच के बारे में पता चलता है। कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में ये लिखा, चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब इंडस्ट्री पैसों को लेकर ऑब्सेस्ड हो गई। हमें नहीं पता कि उस दौर की सबसे कल्ट क्लासिक फिल्में प्यासा, गाइड और श्री 420 ने कितनी कमाई की। मैं जब बड़ी हो रही थी तब भी कभी DDLJ और किसी मूवी ने अपनी कमाई के आंकड़े जारी नहीं किए थे। मैं भी एक समय में यही सोच रही थी कि क्वीन को जब इतना पसंद किया गया तो उसने 100 करोड़ भी क्यों नहीं कमाए। सिस्टम ने आपको करप्ट कर दिया है। ये कमाई के आंकड़ों का ट्रेंड इतना जहरीला हो गया है कि बड़े स्टूडियो और बिजनेस वेबसाइट्स कई बार फेक आंकड़े लिखते हैं और अपने टिकटों की बिक्री के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कंगना ने इसके साथ एक और ट्वीट किया और लिखा, ये आंकड़ों का ड्रामा बस पिछले एक दशक से ही शुरू हुआ है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं दिखाना चाहिए कि उनके पास कितना पैसा है। जब फिल्मों की बात आती है तो कृपा कोई समझौता ना करे। आपने अपने लिए अच्छा पैसा बनाया, अब अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, भले ही आपने काम करना जारी नहीं रखा हो, प्लीज। तो देखिए, कंगना के ट्वीट से साफ लग रहा है कि उन्होंने शाहरुख की पठान पर ही निशाना साधा है। आपको बता दें कि पठान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि शाहरुख खुद अपनी फिल्म को लेकर ऐसी खबरें क्रिएट करवा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि पठान की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज कराए हैं। अब कंगना ने इसी पर तंज कसते हुए शाहरुख पर निशाना साधा है। तो आपको बता दें कि पठान का बीते काफी टाइम से बेशरम रंग का गाने को लेकर विरोध हो रहा है। दीपिका ने गाने में भगवा बिकनी पहनकर लोगों की भावनाओं को आहत किया है और जिससे लोग गुस्से में आए हुए हैं। और अब कंगना ने फेक कमाई को लेकर शाहरुख की पठान पर नाराजगी जाहिर की है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।